सास बहू सीरियल में काम करते हो आप? एक्सप्रेशन ये क्यों है चेहरे पे, भाव ये वाले? किसी के खाने में जहर डाल के आई हो आप? चलिए, थैंक यू सो मच इतने बढ़िया वेलकम के लिए। और मुंबई में मैं आया तो कई बार पहले भी हूँ, लेकिन ये परफॉर्मेंस मेरी फर्स्ट टाइम है। वो पहला सेट किया, एक लड़की बैठी थी दृष्टि, अच्छा वहाँ चली गई दूर, तो ये दूर दृष्टि होगी अभी। अच्छा, कहाँ कहाँ से आए आप लोग? आप कहाँ से मैडम? वडाला, खाने की चीज़ है, शहर का नाम है। अरे मैं अभी कल मैं एक शूट कर रहा था, तो मैंने एक लेडी से पूछा, मैंने कहाँ से मैडम? कहती बॉम्बे। मैंने कहा बॉम्बे बहुत बड़ा, जगह का नाम बताओ। कहती है भयंदर। मैंने कहा बीमारी नहीं पूछी मैंने, जगह का नाम पूछा है। तो मुंबई में क्या है, एक तो ना मुंबई वाले, अब कभी भी आप देखो ना, यहाँ वो सेपरेट ऑटो चलते हैं, तो सेपरेट ऑटो वाला ना ऐसे बैठता है हमेशा, वो सेंटर में नहीं बैठेगा, पूरी जगह खाली। मैंने उसको बोला यार तू बीच में बैठ, कहता है यार ट्रेनिंग के टाइम उस्ताद जी बैठते थे यहाँ। बोला वही आदत पड़ी हुई है। एक महाराष्ट्र में क्या, हर जगह के अलग बॉडी लैंग्वेज है इशारे करने का, तो महाराष्ट्र के इशारे कैसे है? एक जगह इचलकरंजी कोल्हापुर के पास, जानते हैं आप? आपकी शक्ल इचलकरंजी वाली लग रही है मुझे। वहीं से ही है आप? अच्छा, सांगली से। सांगली वो महाराजाओं वाली, उधर बात नहीं करनी ज्यादा, वो मारते बहुत है। तो एक बार क्या हुआ, मैं खड़ा था इचलकरंजी बस स्टेशन पे, तो मुझे, मैंने किसी से पूछा कि मुझे जयसिंहपुर जाना है, जयसिंहपुर एक जगह है वहां। तो एक अंकल बोले एक इधर बस आएगी, इधर बस गिरेगा। मैंने कहा अच्छा गिरेगा, मैंने कहा मेरे ऊपर तो नहीं गिरेगा। कहते नहीं नहीं यहाँ चार नंबर पे गिरेगा, तू इधर खड़ा हो जा। तो मैं उधर खड़ा हुआ, तो अभी वो बस आके रुकी, सवारियां उतरी, तो कंडक्टर बैठा था वहां। तो मैंने पूछा ये बस जयसिंहपुर जाएगी, तो मैं वापस आ गया। दूसरी बस आई, फिर उससे कंडक्टर से पूछा बस जयसिंहपुर जाएगी। इस चक्कर में मैंने चार बस छोड़ दी। अब वो जो अंकल था जिससे मैंने पूछा था बस कहां से जाएगी, वो कह रहा क्या बात है तू जा क्यों नहीं रहा? मैंने कहा अंकल ये ऐसे कर रहे हैं। बोले हाँ तो कर रहे हैं। मैंने कहा हाँ तो ये होता है, हमारा तो मना ये है। अब ये हाना ये क्या है? यस यस, तो हर जगह का अपना है। तो मुंबई में क्या, मुंबई बड़ा शहर है, यहाँ शेयरिंग ऑटो नहीं चलते, है ना? आप एक या दो तीन उसी में बैठ सकते हो, सेपरेट ऑटो में अपना बुक करके, मीटर चालू। दिल्ली में ऐसा कुछ नहीं है, दिल्ली में चरस चल रही है ऑटो में। वहां चरस वो रखी ऑटो ड्राइवर ने, भाई साहब वो 17 सवारियों के उसमें 27 भरते हैं, उसके बाद लिखते हैं 10 की गुंजाइश और है। सीरियसली वो ऐसे भरते हैं, आदमी को ना मुर्गे की तरह भरते हैं। वो बोलते चल भाई अंदर चल अंदर चल। मैंने कहा यार मेरे पैर आदमी के हैं भाई, मुर्गे के नहीं है। उनका जो शेयरिंग ऑटो का ड्राइवर है ना, उसमें 3 की जगह होती है, वो 7वीं जगह बैठा होता है ऐसे। तो यहाँ इधर सवारी, इस चक्कर में मेरा चालान कटा हुआ है। एक पुलिस वाले ने मुझे बुलाया, बोला भाई इधर आ। मैंने कहा हाँ। बोला ला लाइसेंस। मैंने किस बात का? बोला चालान काटना है। मैंने कहा सर ड्राइवर मैं नहीं था। बोला मुझे पता ड्राइवर कौन है, उसका कई बार काट चुका, अब हम सवारियों को ही काटते हैं। दिल्ली में ही चल रहा है मेट्रो, तो मुंबई में भी आ गई, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो यहाँ हाँ दिल्ली में कई साल से है मैडम, आए बड़े मुंबई वाले। एक तो ना ये जो लड़कियां यहाँ बैठी है ना, ये सारी वही है, वो स्नैपचैट और इंस्टा वाली ना, जो पाउट बनाती हैं। मतलब ऐसा कहते हैं कि इंसान बंदर की औलाद है, हमारे पूर्वज पहले बंदर थे। हमारे का तो पता नहीं, लड़कियों जरूर बत्तख बन जाएंगे आने वाली पीढ़ी में ना, वो इतने होठ आगे कर रही है ना, वो वहीं चले जाएंगे उनके होठ, बत्तख बन जाओगी। बहन मत करो प्लीज ऐसा, ऐसे भी अच्छी लगती हो तुम। तो मेट्रो क्या है, अब यहाँ मुंबई में भी शुरू होगी, तो जब सैटरडे संडे ऑफ के बाद आप मंडे मेट्रो में जाओगे ना, कभी भी देखना, तो जो लोग जॉब करते, प्राइवेट जॉब या कॉर्पोरेट में जॉब करते, उनको देखना, उनके चेहरे ऐसे रहते हैं मंडे वाले दिन, जैसे चार मातम करके आए, पांचवे में जा रहे हैं। मेट्रो में सफर करा आपने कभी? मुंबई में तो करा ही होगा। मेट्रो का मैं आपको सीन बता रहा हूँ, मेट्रो में सीन क्या होता है, मुझे नहीं पता मुंबई वाले होते हैं या नहीं, मुंबई वाले ज्यादा एड़े हैं दिल्ली वाले, पर होता है। दिल्ली में क्या होगा, आप मेट्रो में खड़े हो जाओ, तो आप ना एज्यूम करते हो, कैलकुलेट करते हो, कोई भी बंदा पैकिंग करता है ना या ऐसे मूवमेंट करता है, तो आपको लगता है ये उठेगा, है ना? कुछ लोग कंफ्यूज भी करते हैं, एक अंकल बार बार ऐसे कर रहे हैं। मैंने कहा अंकल उठोगे? बोला नहीं नहीं गैस है मुझे। तो वो हरामी लोग होते हैं, बड़े कमीने ना, वो आपको कंफ्यूज करते हैं। तो एक अंकल ना ऐसे मूवमेंट कर रहे थे बार बार, कभी बैग पैक कर रहे, कभी कुछ, तो मैं ऐसे खड़ा।
तो मैंने कहा आप शाणे इतने होते हो ना, दाएं बाएं देखते हो अपने। तो मैंने देखा यार इधर वाला बंदा सोया हुआ है, कुछ टैलेंटेड लोग मेट्रो में खड़े होके भी सोते हैं, है ना। इधर वाला बंदा बहुत मोटा था, तो मैंने कैलकुलेट कर लिया यार ये सोया हुआ है, ये बंदा मोटा है, अंकल जैसे ही उठेंगे मैं बैठ जाऊंगा यार। वो अंकल जैसे ही उठे, वो हरामी जो स्लीपर सेल सोया हुआ था वो एक्टिव हो गया, और इससे पहले मैं कुछ सोच पाता वो वहां बैठा था, और मैं ऐसा ठगा हुआ महसूस कर रहा कि यार ये मेरे साथ हुआ क्या, ये हो कैसे गया। और वो बंदा ध्यान से देखना मेट्रो में ना, वो इतना हरामी रहेगा ना, वो सीट पे बैठ के भी सो जाएगा तुरंत, और ऐसे 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 करने लगेगा। उसको नींद भी नहीं आ रही, उसको नींद भी नहीं आ रही, क्योंकि जैसे अनाउंस होता ना अगला स्टेशन अंधेरी, वैसे ज़ॉम्बी की तरह उठेगा ऐसे चल जाएगा। वो हरामी सोता है इसलिए किसी को सीट ना देनी पड़े। एक मेट्रो में आपको कैरेक्टर मिलेगा जो चेतन भगत का इंग्लिश नॉवल खोल के बैठेगा, रिच डैड पुअर डैड। उस हराम खोर को आप ना अंधेरी से लेके लास्ट तक फॉलो कर लो, उसका पन्ना नहीं पलटेगा, उसका पन्ना नहीं पलटेगा, वो सिर्फ शोबाजी कर रहा है वहां। मेट्रो में सबसे अच्छे लगते हैं मुझे कपल। आप जैसे ये तो कपल नहीं है यार, ये लड़की लड़की कौन बिठा रहा है यार, यहाँ चलता है क्या? अभी वो पीछे बोल रहे सर पसीना आएगा, फिर करेंगे तो पसीना आएगा ही ना सर बिना करे पसीने कैसा आएगा? मैडम सास बहू सीरियल में काम करते हो आप, एक्सप्रेशन ये क्यों है चेहरे पे भाव ये वाले? किसी के खाने में जहर डाल के आई हो आप? आपकी सास आपको रिजेक्ट कर देगी, मैं सच बता रहा हूँ, बिलीव मी। इसलिए मेरा नंबर ले लो, क्योंकि तुम्हारी सास है नहीं। अपन रहेंगे, बाप को भी मार देंगे पहले मतलब मार देंगे नहीं, हरिद्वार भेज देंगे, जिंदा ही भेज देंगे वाले ही, टेंशन नहीं लेनी। कॉमेडी शो में आके देखो हंसना होता है, ऐसा नहीं कि ऐसे बैठ गए ये मत सोचो, ठीक है, पूरा एंजॉय करो, खूब खुल के हंसो, ठीक है। अब मैं शुरू करता हूँ। आर्यन खान अभी जेल में गया, आर्यन खान को जिसने पकड़ा उसका नाम था समीर वानखेड़े, राइट। तो कोई भी न्यूज चैनल पता नहीं लगा पाया कि उसने किसने पकड़ा, क्यों पकड़ा। तो कोई बता रहा कि ड्रग्स मिली, कोई कह रहा क्रूज पे पार्टी कर रहे थे, कोई कह रहा कुछ कर रहे थे। मैं बता रहा हूँ, आपको याद होगा कुछ साल पहले शाहरुख खान ने वानखेड़े स्टेडियम में गाली दी थी। वो बात वानखेड़े को बुरी लग गई, उसने कहा तुमने हमारा नाम खराब किया है, हम तुम्हारा करेंगे, इसलिए धर लिया उसको। इस पे तो जोक पे ताली आती है भाई, दिल्ली में किया था आई, अब मुंबई में तो वानखेड़े है यार, यहाँ भी नहीं आ रही, मैं क्या करूं। दूसरा कंगना रनौत आजकल कह रही है 2014 में आजादी मिली, उससे पहले देश को भीख में मिली थी, उसकी बात सही है, लेकिन लोग गलत समझ लेते हैं। बीजेपी की कोई भी नेत्री, मतलब बॉलीवुड कोई भी अभिनेत्री कुछ भी बोले उसके पीछे लॉजिक होता है। उसने बोला आजादी असली 2014 के बाद मिली है, उसकी बात सही है, वो पहले गुलाम थी, ऋतिक रोशन की। ऋतिक रोशन ने उसके साथ अत्याचार करा, कितना करा अत्याचार करा, उसको काइट में भी सेकंड लीड दे रहा है, फिर क्रिश में भी सेकंड लीड दे रहा है, और क्रिश में तो वो कुछ सांप कुछ बना दिया था, नागिन वागिन जहरीली ऐसी, मतलब ऐसी लड़की थी वो, बना दिया कुछ और था, तो गलत बात, उसके साथ अत्याचार करा। फिर करण जौहर ने सताया उसको, आदित्य पंचोली ने गुलाम बना के रखा, कई साल मारपीट करता था, तो फिर मोदी जी आए मोदी जी ने उसको आजादी दिलाई, फिर वो सावरकर की जेल गई, पद्मश्री मिला उसको, अदरवाइज उस पर अत्याचार हो रहे थे। सोचो कितने मुगल अभिनेता, इमरान हाशमी चुम्मा चाटी कर रहा था गैंगस्टर में उसके साथ, शाहिद कपूर ने करी, तो वो आजादी दिलाई है उसको। अब यहां कोई प्राइवेट जॉब करता है क्या? सारे नल्ले ही है क्या? कोई नहीं करता है? घर कैसे चल रहा है? लॉकडाउन वाला राशन अब तक चल रहा है क्या? इतना दिया महाराष्ट्र सरकार ने है? एक वीडियो देखा था मैंने, मारा भी बहुत यार इन्होंने पकड़ पकड़ के, है ना तुम भी देखे उसमें, मुंह नहीं दिखा पर आंखें ऐसी दिख रही थी, फीलिंग आ, मुझे लगा विशाल है। खैर मैं पहले करता था प्राइवेट जॉब, तो मैं बता रहा हूँ अगर किसी ने यहाँ प्राइवेट जॉब करी तो प्राइवेट जॉब लाइक अंडरवर्ल्ड, जैसा मुंबई में कहते हैं ना, आप आते अपनी मर्जी से हो, भाई की मर्जी से जाते हो अंडरवर्ल्ड में, है ना, मन ऐसे प्राइवेट जॉब है, आप जाओगे अपनी मर्जी, निकलोगे बॉस की मर्जी से। और कभी आप किसी ऑफिस में इंटरव्यू देने जाओगे ना, तो वहाँ का माहौल कैसा होता है मैं बताता हूँ आपको। एक तो ना वो ये वाला एसी लगाते हैं, इसको कौन सा एसी बोलते हैं, डक्ट वाला, है ना, वो वैसा केबिन वाला एसी नहीं है, और रिमोट रख के भूल जाते हैं, इतना तेज कर देते हैं उसको, माइनस में टेम्परेचर,
आपकी फटरी होती है। एक तो आपको इंटरव्यू का प्रेशर है, इंटरव्यू कैसा जाएगा, दूसरा उस एसी में फटरी है आपकी, तो आपको समझ में नहीं आता। आपके दो राउंड हो चुके हैं, आप रिसेप्शन पर बैठे हो, आप डरे डरे घूम रहे हो ऐसे, रिसेप्शन बोलती है आर यू ओके सर, बोला यस। आपके दो राउंड हो चुके हैं, अगर अंदर से किसी ने आके कह दिया कि यू आर सिलेक्टेड, समझो आपके घर पे लड़का हो गया। और अगर किसी ने आके कह दिया यू आर रिजेक्टेड, समझो आपकी वाइफ प्रेग्नेंट थी नहीं, उसको गैस का पेन था। इतनी खुशी होती है नौकरी मिलने की। और जब कोई नया एम्प्लॉय ऑफिस में जाता ना, वो ऐसा होता है जैसे चौधरी खानदान की सबसे छोटी बहू, जो छोटी बहू परिवार में करते हैं ना, हेलो माँ जी, नमस्ते माँ जी, ऐसे ही एम्प्लॉय सबको नमस्ते का मतलब करता घूम रहा है, डिपार्टमेंट का मतलब भी नहीं है। और जो कलीग होते हैं ना, जो साथ में काम करते हैं, वो होते हैं हरामी, ऐसे देवरानी जेठानी की तरह। तो देवरानी जेठानी ये चाहती है ना, इसको चाबी ना मिल जाए अलमारी की, ऐसे ही उनको लगता है कि बॉस इसका प्रमोशन ना कर दे। तो मैंने वो नौकरी वोकरी छोड़ दी, मैं कॉमेडी में आ गया। तो हम तीन दोस्त अभी मुंबई आए रिसेंटली, तो हमने एक होटल लिया, होटल ऐसा लिया भाई, वो जो जो नहीं होता जहाँ ये मसाज वसाज होती है, बॉडी स्पा वगैरह, भाई गांव से आए हमें क्या पता, हम चले गए। तो पहले सबसे शुरू में मैं ही गया, मेरे दो दोस्त और थे, वो बिल्कुल काले हैं रंग में, उनको मेकअप की जरूरत नहीं, वो वैसे ही ब्लैक दिखते हैं, तो काले थे वो चले गए। सबसे पहले मैं गया, मैंने कहा यार कोई अच्छी सी लड़की दो, तो उन्होंने लाए एक ऐसी कोई जूनी ऐसी लाए, काम चलाओ। बोले क्या, मैंने कहा यार ये क्यों, कुछ अच्छी दो, पैसे तो दे रहे हैं। बोले नहीं नहीं आपने ना पिछले जन्म में कुछ अपराध करा था। मैंने कहा क्या, बोले तुमने बिल्ली मार दी थी। मैंने कहा अच्छा, मेरा दूसरा दोस्त गया वो भी ऐसा ही बेचारा, उसको भी उसी से ही करवा दिया मसाज, कहते हैं इसने भी बिल्ली। मैंने कहा इसको भी यही दे रहे। बोला हाँ इसने भी बिल्ली मार दी थी। तीसरा दोस्त उसके लिए बहुत सुंदर लेके आए वो। मैंने कहा यार ऐसा क्यों, बोलते क्या नाम, इस लड़की ने बिल्ली मार दी इसलिए ये मिला। चलिए थैंक यू सो मच, थैंक यू।